ड्राइविंग करने वाले लोग अब सावधान हो जाएं, क्योंकि अगर उन्होंने ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करी, ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा, तो उन पर काफी बड़ा जुर्माना होगा। नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अब अगर आप शराब पीकर के गाड़ी चलाते हैं तो 10,000 रुपए तक का जुर्माना, और आज से ये नियम पूरे देश में लागू हो सका। इस समय हम दिल्ली के ITO इलाके में खड़े, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रात से ही, हालांकि ट्रैफिक रूल्स जब चेंज हुए तो ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने चलान शुरू कर दिया है, लेकिन अब सुबह होते ही यहाँ पर ITO इलाके में भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी चेक कर रहे हैं कि कोई ट्रैफिक वायलेशन कर रहा है या नहीं। अगर शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो 10,000 रुपए देना पड़ेगा, वहीं अगर रैश ड्राइविंग की जाती है तो जुर्माना 1,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया गया है। बिना लाइसेंस ड्राइविंग करने पर जुर्माना 5,000 होगा। ओवर स्पीडिंग पर जो जुर्माना है वो 4,000 रुपए से बढ़ाकर 1,000 से 2,000 रुपए होगा, जबकि बिना सीट बेल्ट के जो जुर्माना होगा वो लगभग 1,000 रुपए किया गया है। पूरी कोशिश की जा रही है कि जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं वो ट्रैफिक नियमों की अनदेखी ना करें, क्योंकि अगर वो करते हैं तो काफी बड़ा जुर्माना उन पर किया जाएगा और ऐसे में उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ITO में तमाम लोग यहां पर आप खड़े हैं और आप देख सकते हैं जो पुलिसकर्मी भी हैं वो यहां पर लोगों को देख रहे हैं कि गाड़ी अगर कोई चलान होता है तो लोगों से बात करते हैं। ये बताइए, आज से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ है, आपको क्या लगता है कितना सही है ये और कितना अगर गलत है? तो नितिन गडकरी जी का ये फैसला मेरे हिसाब से अच्छा है, पर दूसरे अगर पहलुओं को देखा जाए तो ये मतलब एक नॉर्मल आदमी के लिए बड़ा ज़्यादा जो चार्जिंग कर दिया है वो ज़्यादा है, ठीक है ना। जो गवर्नमेंट का जो निर्णय होता है वो सभी को मान्य होता है, पर तो जो मेरी अपनी ओपिनियन है वो ये है कि ये जो चार्जिंग है वो बहुत ज़्यादा कर दिया गया है, और बहुत ज़्यादा करने से के बाद में दिल्ली जैसी स्टेट है वो तो ठीक है, बट अगर छोटे स्टेट है उसके अंदर में देखो जहाँ पर नॉर्मली पुलिस वाला डंडा देके गाड़ी को रोकता है, मैं आपको वहाँ बताऊँ वहाँ पर बड़ी प्रॉब्लमें होने वाली है जो मेरी नज़र में है, ठीक है। इसमें भ्रष्टाचार बढ़ने की ज़्यादा संभावना है, नॉर्मली बहुत ज़्यादा संभावना है इसमें। लोगों को लग रहा है कि नियम तो ठीक है लेकिन गरीब लोगों पर मार पड़ सकती है, कई बार गलती से ट्रैफिक नियमों की अनदेखी हो सकती है और ऐसे में भ्रष्टाचार बढ़ने की आशंका जरूर जताई जा रही है। लेकिन देखना ये होगा कि इस बढ़ते जुर्माने को देखकर क्या ड्राइविंग करने वाले लोग ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने से खुद को रोकते हैं, क्या ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने पर खुद को रोकते हैं या नहीं, या फिर उन्हें डर सताएगा इस बड़े ट्रैफिक जुर्माने का।